बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जुले अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे होपफुली इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट टॉपिक है पॉलीमर्स यूनिट्स का मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में आपको कुछ रबर्स वल्कनाइजेशन और सिंथेटिक रबर्स के बारे में पढ़ा अब हम एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जैसे कि आपको टॉपिक में दिया गया है पॉलीथीन बैग आप यूज़ करते हो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीस्टर जिसमें टेक्रॉन एग्जांपल है नायलॉन बेकलाइट ये तीन एग्जांपल्स आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स में है और पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका एडिशन कंडेंसेशन का एग्जांपल है एडिशन कंडेंसेशन एडिशन होना है और इन तीनों में आप उनमें क्या होना है इलिमिनेशन विथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है ना CO2 वाटर अमोनिया ऐसे ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते थे नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉलीथीन पॉलीथीन एक्चुअली पॉली मीन्स मेनी और इथाइलीन मॉलिक्यूल है तो इसीलिए इन्हें कहा गया है पॉली इथाइलीन या सिंपली इथाइलीन और यूजुअली आप लोग करते हो पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग है ना पॉलीथीन बैग नाउ दिस पॉलीथीन बैग इज एक्चुअली एन एडिशन पॉलीमर ये एडिशन पॉलीमर है याद रखना दिस इज एडिशन पॉलीमर सिंपल एडिशन होना है एडिशन पॉलीमर्स विदाउट द एलिमिनेशन कोई एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना है बट ये दो प्रकार के हैं एक को कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसे शॉर्टकट में LDPE कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन या LDPE कहा जाता है लो डेंसिटी पॉली इथाइलीन राइट अब लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है आपने n टाइम्स इथीन मॉलिक्यूल को CH2 डबल बॉन्ड CH2 n टाइम्स लिया n टाइम्स बहुत ज्यादा आपने इसको 1500 एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट करना है और हीट करना है लगभग 473 केल्विन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना है तो क्या होगा CH2 n टाइम्स बहुत प्रकार के CH2 बनेंगे यही आपका है पॉली इथाइलीन इसको कहा जाता है LDPE भी कहा जाता है पॉली लो डेंसिटी पॉली इथाइलीन पॉलीथीन बैग राइट बट ये क्या होता है लो डेंसिटी इसलिए कहा गया है दिस इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट होती है हाँ फ्लेक्सिबिलिटी इनकी होती है और यूजुअली ये पैकेजेस में बनाने में आपको मदद आता है जैसे कि आप लोग दावत पे जाते हो पॉलीथीन बैग्स आप लोग जितने भी आप लोग बाजार से है ना सामान खरीदते हो तो पॉलीथीन बैग्स में आप लेते हो वो एक्चुअली है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन और आपने देखा होगा थोड़ा सा भी इसको हीट मिले एकदम सुकट जाता है जल जाता है तो दैट मीन्स इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है इसीलिए इन्हें कहा जाता है लो डेंसिटी है ना ये केमिकली इनर्ट है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता बहुत ही टफ हाँ फ्लेक्सिबल है टफ है फ्लेक्सिबल है और प्लास्टिक्स तो आपको पता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट मैंने अभी कहा इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और ये पैकेजिंग्स में पाइप्स में प्लास्टिक्स किस में यूज नहीं होता इसके कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो ये हुआ लो डेंसिटी पॉलीथीन नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Another type of polythene, high density polythene, जिन्हें कहा जाता है HDPE, high density polythene. और आपको पता है समृद्धि जो अभी एक कंपनी है प्लास्टिक बकेट्स के है ना कंटेनर्स के समृद्धि बहुत सारे कंपनीज है वो थोड़ा बहुत ही टफ है ना और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है और ये टफ भी है ना तो इसीलिए यही जो प्लास्टिक्स है वो तो प्लास्टिक तो है ना और जैसे जितने भी आपके स्कूल्स में चेयर्स है प्लास्टिक चेयर्स वो सब इस प्रकार इस कैटेगरी में आता है दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन कुछ नहीं करना इसमें थोड़ा रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करना अगेन होना तो इसमें पॉलीइथीन ही है इथीन मॉलिक्यूल ही है बट यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन चेंज करना है एक कैटलिस्ट लेना है जिसे कहा जाता है जिकलर नाटा कैटलिस्ट क्या जिकलर नाटा कैटलिस्ट
Ziegler Natta catalyst के presence में इसको heat करना है. Now what is Ziegler Natta catalyst? Triethyl aluminium. Triethyl aluminium और titanium tetrachloride के इस combination को Ziegler Natta catalyst बोलते हैं. इसके प्रेजेंस में हीट करना है, बट यहाँ पे 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए और रिएक्शन कंडीशन 333-343 केल्विन के बीच में हीट करना है. तो अब ये n टाइम्स बनेंगे CH2 n टाइम्स, राइट, बहुत सारे प्रकार के. तो ये आपका हुआ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन, राइट. अब ये जो होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट ये होता है ट्रांसल्यूसेंट. आपको पता है ओपेक और ट्रांसपेरेंट, और इन दोनों के इंटरमीडिएट को ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है, राइट. ये प्लास्टिक ट्रांसल्यूसेंट होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा देने पे पिघल जाता है ना. प्लास्टिक्स तो आपको पता है थोड़ा सा भी हीट दो ये सुकट जाता है. तो इनकी टफनेस को, और ऑब्वियसली बात है ये इनकी यूसेज तो आपको पता है, टॉयज, सॉरी मैंने आपको बताया बकेट्स, कंटेनर्स, जितने भी आपके हाउस होल्ड मटेरियल्स है, जितने भी हाउस होल्ड मटेरियल्स बने हैं वो आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने हैं, राइट. तो दिस इज अबाउट द पॉलीथीन्स, बट अगेन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकता. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पीवीसी. पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉली विनाइल क्लोराइड. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर. ये भी एडिशन पॉलीमर है. पॉली विनाइल क्लोराइड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl. पॉली विनाइल क्लोराइड या 1-2-1 क्लोरोइथीन, राइट, 1 क्लोरोइथीन. इसको n टाइम्स लेना है और ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज करना है. इसको एडिशन पॉलीमराइज करना है किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल परऑक्साइड, राइट. जैसे कि तो ये क्या होगा, CH2CHCl और n टाइम्स, बहुत प्रकार के बनेंगे n टाइम्स. तो ये आपका हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये आपको पता है पाइप्स, वाटरप्रूफ जैकेट्स या जितने भी आपके रेनकोट्स है, हैंडबैग्स है, वो सब इन्हीं पीवीसी के बने होते हैं. वो आप यूज आप बुक्स में पढ़ सकते हो, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिएस्टर. देखो पॉलिएस्टर में एक एग्जांपल ही मैं पढ़ाऊंगा. पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर नाम डिजिग्नेट कर रहा है, यहां पे ईस्टर लिंकेज होगा. ईस्टर लिंकेज क्या होता है? RC ईस्टर लिंकेज. पॉली मींस मेनी एंड ईस्टर. ईस्टर लिंकेज क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOR लिंकेज, ये वाला लिंकेज इसमें होंगे. बट डियर स्टूडेंट्स, यहां तक एडिशन पॉलीमर से, इसके बाद जितने भी पॉलीमर से, ये एग्जांपल है किनके? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के. पॉलिएस्टर, नायलोन, बेकलाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल से? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल है. अब इनमें कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होना है? एलिमिनेशन होना है. अब इसमें, अब इसमें लिंकेज होता है किसकी? ईस्टर लिंकेज. तो ईस्टर लिंकेज इसीलिए इसको बोला गया पॉलीएस्टर, जिसमें मैं एग्जांपल लूंगा डेक्रॉन की. कॉमनली इसे डेक्रॉन कहा जाता है. और डेक्रॉन की किस तरह प्रिपरेशन करनी है? देखो सबसे पहले ग्लाइकोल लेना है. ग्लाइकोल इज नथिंग बट आपका ये वाला 1,2-ethene 1,2-diol ग्लाइकोल, जिसे सिंपली ग्लाइकोल कहा जाता है, ठीक है, विद इथाइलीन ग्लाइकोल. इथाइलीन ग्लाइकोल. और आपको पता है ईस्टर किस तरह बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप. तो यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होना चाहिए. क्या? देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फोकस देना एक कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या हुआ? 1,2,3,4. तो इसका नाम हुआ बेंजीन 1,4-dioic एसिड. बेंजीन 1,4-dioic एसिड. अब यहां पे एक चीज याद रखना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है. देखो
H2O। एस्टर यही एस्टरिफिकेशन यही तो बनता था एस्टरिफिकेशन। आपने कहा पढ़ा था एस्टर्स अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिला के अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके इधर बनाते थे। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन कंडीशंस जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर याद रखोगे तो जिंक एसिटेट के प्रेजेंस में, जिंक एसिटेट, एसिटेट क्या हुआ CH3C(OO)2 ये जिंक एसिटेट है, और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड SbO2O3 के प्रेजेंस में आपने जबरदस्त हीट देना है इसको, और टेम्परेचर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट वही 100 above 200 degree या समथिंग या 400 Kelvin के आसपास आपने हीट देना है। ये कैटलिस्ट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक चीज H2O यहाँ पे रिलीज हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ इधर लिखूं -H2O, यहाँ पे H2O भी रिलीज हुआ, और मैं लिखूंगा n टाइम्स, बिकॉज मैं इसको ले रहा हूँ n टाइम्स, इसको भी मैं ले रहा हूँ n टाइम्स, तो n टाइम्स जब बहुत ज्यादा लूंगा तो n टाइम्स भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और ये वाला OH दूसरों के साथ कंबाइन होगा और ये वाला OH भी दूसरे के साथ कंबाइन होके बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या हुआ O CH2 CH2 O। अब ये डायरेक्ट किसके साथ कंबाइन हुआ, C डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है राइट, और C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH दूसरे CH2 के साथ कंबाइन होके अगेन H2O बनाएगा, तो मैं इस पे भी H नहीं लिख रहा हूँ, और ये N टाइम्स बना, तो ये पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल है जो डेक्रॉन एग्जांपल आपने बोला डेक्रॉन, और इसको टेराइलीन भी कहा जाता है, डेक्रॉन को क्या कहा जाता है टेराइलीन भी, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर का क्या यूसेज है आपको पता है, ये फाइबर है ना मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स में काम आता है, जिस तक आप यूसेज खुद पढ़ लेना, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीएस्टर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नायलॉन। नायलॉन आपने नायलॉन का नाम सुना है, नायलॉन है ना, नायलॉन बहुत सारे प्रकार के नायलॉन है। अब नायलॉन अगेन है, मैं बता दूं नायलॉन अगेन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर राइट, इट्स ए कंडेंसेशन पॉलीमर, और इस पे पॉलीएस्टर लिंकेज था, और यहां पे पॉलीएमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज, पॉली एमाइड, एमाइड ग्रुप क्या होता था, कार्बोनाइल ग्रुप पे NH2 ग्रुप जोड़ने से एमाइड होता है, याद रखना, तो एमाइड ग्रुप इज नथिंग सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस इज एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज राइट। अब इस प्रकार के कुछ लिंकेज हो गए, क्या नायलोन आप में, मैंने बताया था नायलोन एक एग्जाम्पल लूंगा मैं 6-6 कह के, नायलोन 6-6, what this 6-6 designates, I will tell you कि ये 6-6 क्या होता है। आपको पता है नायलोन 6-6 अगेन कोपॉलीमर है जिसमें दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होंगे, और आपको मैंने बताया था एक एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामिथाइलीन डायमीन होता है, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है COOH CH2 whole 4, चार टाइम CH2 और COOH ये होता है, और इसे कॉमनली कहा जाता है एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड, चलो मैं इसको कार्बोनाइल को इस तरह बनाऊं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और हेक्सामिथाइलीन CH2 सिक्स टाइम और डायएमीन, एमीन मींस NH2 और NH2 राइट, NH2 और NH2, ये हेक्सामिथाइलीन डायमीन हुआ, हेक्सामिथाइलीन डायमीन। अब इसकी पॉलीमराइजेशन करना है, अगेन ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, यहां पे डिजिग्नेट देखो, यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन यहां से और यहां से OH रिलीज होगा, तो अगेन यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं, तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और यहां पे इसको हीट किया जाता है, अब हीट आप फॉर एग्जांपल 570 केल्विन पे हीट मारो, और मैं इसको ले रहा हूं एडिपिक एसिड को n टाइम्स, और इसको भी मैं ले रहा हूं n टाइम्स, अब ध्यान देना यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, तो n टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ H2
ओ एन टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, राइट। मैं इसको एन टाइम्स ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, एन टाइम्स लिया, अब ये भी फ्री नहीं होगा और यहां पे भी एक हाइड्रोजन फ्री नहीं होगा, यहां पे OH फ्री नहीं होगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O डैश OH किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, CH2 होल 4। अब देखो C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ा है, NH के साथ, यहां पे एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है NH, और अगेन बना CH2 होल 6, और वहां पे एक NH ही फ्री है, दूसरा H दूसरे मॉलिक्यूल्स ने वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया है N टाइम्स। अब देखो यहां पे इस ये नाइलोन है एग्जांपल आपका, ये यही पूरा कॉम्बिनेशन आपको कहलाता है नाइलोन। अब इसको नाइलोन 6-6 क्यों कहा गया है, सिंपल 6-6 इसलिए कहा है, अब कार्बन नंबर 1 यहां से मैं नंबरिंग दूं, 1 यहां पे है और यहां पे क्या है 4, राइट 4 है, 4 एक 5 और ये वाला कार्बन क्या है 6, तो कार्बन नंबर 6 वाला, मैं अगेन बोल रहा हूं, एक कार्बन ये है, चार कार्बन ये है, 4, 1, 5 एंड दिस वन इज 6, कार्बन नंबर 6 ये है, और यहां पे भी देखो यहां पे 6 कार्बन है, डायरेक्ट 6 कार्बन पे ही एमीन रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी कार्बन नंबर 6 वाला एमीन रिएक्ट कर रहा है और यहां पे भी कार्बन नंबर 6 वाला OH रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, कार्बन 6-6 कहा है, सॉरी नाइलोन 6-6 कहा है, राइट। दैट इज अगेन हियर कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 6 हियर रिएक्ट्स और यहां पे भी कार्बन नंबर 6 रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए 6-6 नाइलोन कहा है, और नाइलोन्स की आपको यूज बताने की जरूरत नहीं है, नाइलोन्स कहां यूज नहीं होता। और एक भी है नाइलोन 6-10 करके, क्या 10 करके, नाइलोन 6, मैं इसको मिटाऊं, इसको मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, नाइलोन 6-10 करके। अब 6-10 मींस ये कार्बन नंबर 6 ये यही रहेगा और ये यहां पे कार्बन नंबर 10 होगा, 10 मींस इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं 8, अब ये हुआ 1, 8, 9 और ये 10, दसवां और इसका छठा रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो गया कार्बन 6-10 और इस पे मैं रिएक्ट लिख रहा हूं 8, बाकी ये सच रहेगा। अब ये एडिपिक एसिड नहीं होता, ये एक सिबेसिक एसिड, कॉमनली इसे कहा जाता है सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड लेके ये रिएक्ट करता है, तो अगेन ये हुआ नाइलोन 6-8 या नाइलोन 6-6 सिबेसिक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड इज पॉलीइथीन पॉली पीवीसी, ये दोनों जो है एडिशन पॉलीमर्स है, अब पॉलीस्टर से जो डेक्रॉन है और आपका जो नाइलोन है और जो बेकलाइट है, इनसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होना है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कंडेंस होके विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होना है, वाटर लॉस होना है, दिस दैट लॉस होना है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है बेकलाइट, बेकलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल को कहा था आपको अगर याद होगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं बढ़ाने से पहले एक चीज याद, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी होता है, आपको डेक्रॉन दिया होगा एग्जाम में, राइट, और आपको डेक्रॉन देके ये लिखा होगा कि ये पॉलीस्टर है कि पॉलीइथाइलिन है कि पॉलीएमाइड है कि क्या है, अब डेक्रॉन में पॉलीस्टर ग्रुप था, और नाइलोन 6-6 यूजुअली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, नाइलोन 6-6 इज ए पॉलीमर ऑफ, नीचे लिखा होगा पॉलीएमाइड पॉलीस्टर पॉलीविनाइल पॉलीफ्लान, तो आपने पॉली आपने देखा था इसमें एमाइड ग्रुप है, राइट, तो पॉलीएमाइड को टिक मारना है, राइट। अब लास्ट बचता है आपका बेकलाइट, एंड बेकलाइट इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के कॉम्बिनेशन को आपने बोला था क्या, बेकलाइट, बेकलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के कॉम्बिनेशन को, दो इसमें मोनोमेरिक यूनिट होता है, एक होता है फिनोल, फिनोल दिस इज योर फिनोल, सॉरी ओ एच, दिस इज योर फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड इज एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, या सिंपली एच सी एच ओ कहते हैं, या मीथेनल भी कहते हैं, अल्फेक नोमेनक्लेचर इज मीथेनल, व्हेन इट गेट्स रिएक्टेड विद बेस हाइड्रोलिसिस करने पे, यहां पे मैं सिंपल लिखूंगा बेस हाइड्रोलिसिस करने पे
यहाँ पे क्या बनता है, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनता है और एक पेरा हाइड्रोक्सी बनता है, OH और एक पेरा CH2OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, राइट। और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, OH CH2OH, ये ऑर्थो पे है, राइट, ऑर्थो पोजिशन ना, तो इसको कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलीन, मिथाइलीन फिनोल। व्हेन ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलीन फिनोल, इसको आप पॉलीमराइज करते हो, इसको आप लेते हो एन टाइम्स, राइट, एन टाइम्स इसको आप करते हो पॉलीमराइज। तो देखो अगेन दो मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पे एक एच और यहां पे एक OH, अगेन इस तरह में चलो इसको इस तरह में और एक स्टेप में बढ़ाऊं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल को मैं और एक स्टेप बढ़ाऊं इस तरह, OH CH2OH। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये भी मैं एन टाइम्स ले रहा हूं, ये भी मैं एन टाइम्स, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बनाता है, H2O, डायरेक्ट CH2 इस ऑर्थो पोजीशन के साथ जुड़ जाता है, तो आपको फॉर्मेशन होती है इस तरह की, OH और ये CH2 यहां पे कंबाइन हुआ CH2, राइट, यहां पे देखो H2O रिलीज हो रहा है, राइट, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है और यहां पे माइनस H2O n टाइम्स रिलीज हो रहा है और CH2 के साथ दूसरा बेंजीन ग्रुप भी जुड़ा है लाइक दिस, OH, राइट। अब ये वाला OH भी दूसरे के साथ कंबाइन होगा, राइट, ये वाला और ये वाला भी दूसरे के साथ कंबाइन होगा और इसी तरह क्या बनेंगे, इधर होगा CH2, n टाइम्स होंगे, तो इस टाइप को बेकलाइट कहा जाता है और यूजुअली बेकलाइट का और एक नाम है नोवेलेक और नेरोलेक के नाम से भी आप जानते हो इसको, कंपनी ने एक नेरोलेक ये पेंट्स भी यूज होता है, इसे कॉमनली नेवेलेक कहा जाता है। अब बेकलाइट क्या होना है, बेकलाइट ऑर्थो पेरा पोजिशन वाला मैंने अभी जो यहां पे बताया, और पेरा पोजिशन इसी तरह ब्रांच्ड चेन्स बनेंगे तो वही आपका कहलाता है बेकलाइट। ये आपका सिंपल ये हुआ, तो यहां पे भी एक CH2 है ना, दिस दैट, इसी तरह इधर एक भी एक ब्रांच बनेंगे, ये वाला भी ब्रांच, तो उसी को कहा जाता है बेकलाइट, दिस इज नॉट बेकलाइट, बेकलाइट इज क्रॉस लिंकड, इन दोनों को सॉरी ऑर्थो और पेरा दोनों को कंबाइन करके आपने क्या बनाना है, बेकलाइट बनाना है। एक एग्जाम्पल आपका बेकलाइट, तो बेकलाइट इज नथिंग बल्कि आपका पॉली इथाइलीन, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। चलो मैं आपको बेकलाइट बता दूं, बेकलाइट इज आपका जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलीन फिनोल है और पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइलीन फिनाइल है, OH पेरा हाइड्रोक्सी CH2OH, इन दोनों को कंबाइन करके आपने पॉलीमराइज करना है, पॉलीमराइज करना है और यहां पे n टाइम्स H2O रिलीज होगा और यहां पे कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस फॉर्मेशन होंगे, देखो OH CH2 ये दूसरे CH2 के साथ कंबाइन होंगे, राइट, OH, राइट, इसी तरह CH2 बहुत प्रकार के बनेंगे, OH सोन CH2 सोन, राइट। अब यहां पे भी पेरा हाइड्रोक्सी वाला भी बनाएंगे CH2 और यहां पे ये वाला दिस, राइट,
CH2 और यहाँ पे OH होंगे और यहाँ पे भी CH2 OH नीचे लिखो OH इसी तरह CH2 मतलब कहने का मतलब यही कि ब्रांच्ड बनाया राइट OH नीचे होगा राइट नीचे होगा तो अगेन CH2 तो इस तरह के लिंकेजेस बहुत सारे लिंकेजेस और यहां पे भी फॉर एग्जांपल आप CH2 इधर जोड़ सकते हो CH2 तो इस प्रकार के लिंकेजेस को आप कहते हो बेक लाइट अगेन नथिंग बट इट इज ए फॉर्मल डिहाइड इन फिनोल रेजिन तो इन दिस वे आवर टॉपिक ऑफ पॉलीमर कम्स टू एंड एंड इंशाल्लाह रहमान आप जितने भी एग्जांपल्स है सभी के आप एक बुक कंसल्ट करके थोरोली पढ़ना और किसी को भी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरीज आप लिख सकते हो और पॉलीमर यूनिट बहुत ही इजी यूनिट है 3 मार्क्स का और आप इसको मिस ना करना इन दिस वे माय टॉपिक ऑफ पॉलीमर यूनिट कम्स टू एन एंड होपफुली वी विल ज्वाइन इन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला लास्ट यूनिट हम दूसरे एक लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंजॉय थैंक यू